अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरी से होंगे। मेरा नाम अज़ान भट्ट और मेरे चैनल का नाम विले स्टार व्लॉग है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम आए हैं KFC में। तो आज हम इनका टेस्ट करेंगे फैमिली फेस्टिवल, जो कि तकरीबन 2150 रुपये का है। तो नाज़रीन, अभी हमारे शानू साहब ऑर्डर देने गए हैं, तो ऑर्डर आता है तो मिलते हैं फिर आपसे। तो नाज़रीन, जितनी देर ऑर्डर नहीं आता इतनी देर हम शानू साहब से बात करते हैं। तो क्या ऑर्डर दिया आपने? सर, ऑर्डर दिया हमने फैमिली फेस्टिवल। तो अच्छा, इसमें क्या क्या मतलब क्या आइटम है? बर्गर कितने हैं इसमें? जिंगर बर्गर है, टोटल 4 जिंगर बर्गर हैं। जी जी। और 4 चिकन के पीस हैं, ब्रोस्ट हुए। अच्छा। और तो और साथ में 1.5 लीटर कोक की बोतल और 2 या 3 गिलास वो देंगे। और उसके बाद 2 मायनेज हैं, इनकी मायनेज जो सी है ना बहुत आला है। और जब आएगी इंशाल्लाह आपको वीडियो में दिखाएंगे, और जब हम खाएंगे आपको वो भी सारा नज़ारा और व्यू दिखाएंगे KFC में कितना मज़ा आता है। इंशाल्लाह ऑर्डर आता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। तो नाज़रीन, तकरीबन 2 से 3 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा। ये ऑर्डर हमारा आ गया, आप देख सकते हैं, ऑर्डर आ गया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये ऑर्डर आ गया हमारा है, जिसमें 1.5 लीटर बोतल आई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं माशाल्लाह ही माशाल्लाह। तो बाकी टेस्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या टेस्ट है। तुम नाज़रीन, जैसा कि ये देखें अज़ान भट्ट साहब, अब उन्होंने स्प्रेड की बोतल, ओहो, आराम से आराम से। नाज़रीन ये देखें, सबसे पहले नाज़रीन हम डालेंगे बोतल। वाह जी, दूसरे ग्लास में भी डालो ना भाई। जी जी, दूसरे ग्लास में भी डालो भाई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन ये देखें, दूसरे ग्लास में भी बोतल उसने डाल दी है। अब क्या आपका क्या इरादा है कि सबसे पहले ये बर्गर पकड़ेंगे या ब्रोस्ट? ये देखें नाज़रीन कैसी है, ऐसे लगता है मक्खन है जैसे, मक्खन है बिल्कुल। और नाज़रीन ये देखें, सबसे पहले उन्होंने ब्रोस्ट पकड़ा। ये वीडियो में आपने हमें कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये वीडियो बनने से पहले है। ये देखें, वाह, चिकन भी देखें, अंदर तक मसाला लगा। वाह जी वाह। नाज़रीन टेस्ट करके बताएंगे अज़ान भट्ट साहब। लो जी, बिस्मिल्लाह पढ़ी उन्होंने, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, बेस्ट। लो जी, उन्होंने लाइक कर दिया, यानी कि अच्छी लगी है। जी नाज़रीन, अब आ गई है शानू साहब की बारी। तो आपने जल्दी से कमेंट करके बताना है कि शानू साहब लेग मसल के चिकन खाएंगे या फिर बर्गर। मेरी ये राय है कि ये नंबर 2 वाली आइटम चेक करेंगे, तो देखते हैं फिर। चलें शानू साहब, जल्दी जल्दी। शानू साहब ने बर्गर उठाया, बर्गर ज़रा अवाम को हमारी बताए। ये देखें नाज़रीन, ये बर्गर है KFC का। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बात, वेरी नाइस, कमाल का बर्गर है, गुड हो गया मैं कह रहा हूँ। तो नाज़रीन फिर शुरू करते हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि शानू साहब ने तो सही दरेट डाली है। ये देखें, बाकी बिल भी आपको दिखाते हैं कितने का बना है। 2250 रुपये। इसमें टैक्स ही सिर्फ 310 रुपये है। तो फिर मिलते हैं आपसे नीचे जाकर। नाज़रीन आपको पता है, खाने के बाद कुछ मीठा आ जाए ये एक सुन्नत भी है, और हम सुन्नत पूरी करने के लिए किधर आए हैं शर्मा बताए। इनका नाम है क्रेवी कॉम्फर्ट, साथ में इनके ये UK की ब्रांच है इनकी, इनके साथ बर्गर वाले हैं UK। आपको दिखाते हैं, ये है इनकी कुछ क्रेजी कोन। तो ये फजल सेंटर में है, ऐसी बात है ना? जी जी, फजल सेंटर है और यहाँ में लोग ये बम्बे चुपाती। बाकी आप लोकेशन चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। एक मिनट, तो आप ये पीछे भी हमारे बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर ऑर्डर आता है आपको भी दिखाते हैं। लेकिन ये देखिए, आ गया हमारा ऑर्डर, ये आ गया, ये आप देख सकते हैं,
ये तो मैं पहली दफा पीने आया हूँ, इसमें क्या डलता क्या ओरियो शेक में? इसमें भाई मुझे लगता है दूध है, बिस्किट है, क्रीम है, आइसक्रीम और समथिंग पता नहीं और कुछ भी होगा। ये अभी हम हमारे शहर साहब पियेंगे। चले जी सही ईमानदारी से कोई झूठ नहीं, कमाल हो गया क्या सबसे। तो प्राइस क्या है इसकी? प्राइस की है 260 माशाल्लाह, ये 60 रुपए है मुनासिब है। और ये बाइट बाइट से पता है आपको 500 का भी मिलता है? मैं एक ब्रांच में गया हूँ उधर से 590 रुपए का ये ओरियो शेक। ये ओरियो शेक और गिलास भी इतना है। अच्छा जी, मैंने पे छोड़ दिया, मैंने कहा यार इधर से चलते हैं, माशाल्लाह इनका टेस्ट भी अच्छा है और मुनासिब प्राइस है इनकी 260 रुपए है। आप हमारी वीडियो देखें, फजल सेंटर आए और पी के चेक करके हमें कमेंट में जरूर बताना। जी ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन है फजल सेंटर गुजरांवाला। लो जी नाज़रीन, अब टाइम हो गया वापसी का। सर्दी बहुत ज्यादा कि नहीं शरू साहब बताए इनको? खा के सर्दी बहुत ही लग रही है इसलिए, और हम फजल सेंटर से वापसी जा रहे हैं घर की तरफ और इंशाल्लाह आपको दुकाने और गाड़ियों और अच्छा अच्छा व्यू दिखाते हैं। अगर कोई आप में से डॉक्टर है सिर्फ ये बात बताए कि यार खाना खाने के बाद सर्दी क्यों लगती है? हाँ जी डॉक्टर ही बता सकते, तो कमेंट कर देना मेहरबानी आपकी। तो बाकी लव यू हो गया, तो वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। तो बाकी ये आपको व्यू चेक कराते हैं, ये फन दुनिया है। तो बाकी ये आप देख सकते हैं डिजर्ट बॉल फूड ऑन और ये चाय चैनक के ऐसे ऐसी है। तो बाकी लव यू हो गया, तो चलते हैं फिर। ये इसका आउट एरिया, तो हम जा रहे हैं बाहर। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।